हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कभी कभार क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, क्यों रात को मैं सोच के रखती हूँ कि ये काम करना है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो कई बार हमारा शेड्यूल चेंज होता है। जो हम सोचते हैं कि आज इस एरिया की क्लीनिंग कर ली है, लेकिन वो नहीं कर पाते और दूसरा काम लेके बैठ जाते हैं। तो आज क्या हुआ था कि मेरी मैड वो सुबह सुबह ही आ जाती है, तो हम बस चाय पी के हटे ही थे। बस थोड़ी देर ही हुआ था तो मेरी मैड आ गई थी, और उससे क्या है, मैंने थोड़े से ये पौधे मंगाए थे अपने घर में लगाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में कोई भी यहाँ पर प्लांटिंग नहीं की हुई है। तो क्यों घर बना था उसके बाद मैंने कुछ भी शुरुआत नहीं की थी, तो बस सोचा था कि शुरुआत करूँगी। तो कुछ मैं बीकानेर से लेके आई थी, और कुछ उसने बोला था कि दीदी मैं ला के दूंगी, तो आज वो लेके आ गई थी। तो बस मैं उन्हीं को ही देखी इस तरीके से सेट करने लग गई थी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मैं एक साथ नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए, अभी तक मैंने कोई भी यहाँ पर प्लांट परचेज नहीं किए नर्सरी से। मैं इधर उधर से जो भी रिलेटिव्स वगैरह है ना, उन्हीं से मैं लेके आ गई थी। तो दो दो तीन तीन ऐसे करते करते काफ़ी मैंने इस तरीके से कलेक्ट कर लिए हैं। और साथ साथ में क्या है कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर पोट है ना, वो भी मैंने परचेज नहीं की है। तो एक बार जो मेरे पास ये डिस्पोजल पोट होते हैं, मैं उन्हीं में ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट तो हम एक साथ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर देखिए पूरा मुझे अपने जो टेरेस है यानी छत है, मैं उसको पूरा गार्डनिंग करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं जीरो से ही शुरुआत कर रही हूँ कि फालतू के पैसे ना लगाऊँ। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ग्लासेस बॉक्स और यहाँ पर देखिए इस तरीके के जो भी कंटेनर्स होते हैं हमारे किचन के, वो सभी को मैंने इस तरीके से यूज कर लिए, चाहे वो कप हो या कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पर पहले उन्हीं को ही यूज कर रही हूँ, जितने ये भी कुछ बड़े हो जाएंगे और कुछ और भी प्लांट्स मैं कलेक्ट कर लूंगी। ये वाला पॉट भी मैंने परचेज नहीं किया था, ये मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट किया था एनवायरनमेंट डे पे, तो उसको वहाँ से ये पॉट मिला था। और यहाँ पे अभी मैं पहले मिट्टी लेके आई थी, मिट्टी भी यहाँ पे पड़ोस में ही घर का काम चल रहा था तो वहीं से मैंने ले ली थी। और साथ साथ में ये मुझे एक नारियल छीला था तो मैंने यही रख दिया था, इसको देखते हैं कितना मेरे पास इकट्ठा हो पाता है, तो इसकी कोकोपीट तैयार करूँगी, वरना एक का तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसमें फिर फालतू का टाइम भी मेरा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट जो करती हूँ ना, जीरो से स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से अपने काम कर लेती हूँ। तो चलिए, काम और इन्वेस्टमेंट की तो बातें होती रहेगी, और साथ साथ में अपना काम तो क्या है, होम मेकर्स कितना ही कर ले, काम तो ख़त्म होता ही नहीं है। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ DIY शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने देखी यहाँ पर एक ये लिड ली है, स्प्रे वाली जो बॉटल थी उसका लिड तो काफ़ी बड़ा होता है, तो मैंने उसी लिड को लिया है और यहाँ पर इसको वॉलपेपर से कवर किया है। वैसे ही वाइट प्लेन था तो मैं वाइट प्लेन भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से वॉलपेपर से कवर किया है। और यहाँ पर देखिए ये आइसक्रीम स्टिक थी, इस आइसक्रीम स्टिक से हम इस तरीके से इसको लगा लेंगे। आपके पास इस लिड की जगह ना, आप कोई भी बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो बड़ा कंटेनर होता है आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लिड का ही यूज़ करें। आपके पास जो भी वेस्ट सामान है, चाहे आपके पास वो साबुन का डब्बा है, बॉटल है, या फिर और कोई भी तरीके है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो बस आपको ऐसे ही कोई स्टिक वगैरह लेके आपको इस तरीके से यूज़ कर लेना है। और अगर आप बड़ा बनाते हो तो आप कोई बड़ी लकड़ी या फिर जो पाइप होते हैं PVC पाइप, और तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। देखिए आप इसको अलग अलग इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इसको ऑर्गेनाइजर में यूज़ कीजिए या फिर प्लांटर में, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये किचन का एक ये बॉक्स था, तो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था कि मैं प्लांटिंग शुरुआत कर रही थी, तो मेरे पास ये बॉक्स पड़ा था, तो यहाँ पर इस बॉक्स को ही चलिए थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो प्लेन तो काफ़ी मैंने रख लिए थे, क्योंकि मेरे पास वो प्लांट्स लाए हुए थे तो उनको उस वक्त लगाना था, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं था कि सारे बॉक्स को मैं रेडी करूँ। तो सोचा धीरे धीरे एक एक बॉक्स को रेडी भी करती जाती हूँ, ताकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ना लगे, और धीरे धीरे में मुझे पता भी नहीं चलेगा कब मैंने इतने सारे प्लांटर को इकट्ठा कर लूँ। तो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर आज इस डब्बे की मैंने बारी लगा ली है, ताकि यहाँ पर इस डब्बे को क्या है तैयार कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं चाहती तो यहाँ पे इसमें देखिए दो प्लांटर मेरे बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ इसको अलग लुक देना था, क्योंकि ऐसे बॉक्स तो मेरे पास इकट्ठे होते ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। यहाँ पे दोनों बॉक्स को मैंने ज्वाइन करने के लिए जो हमारे पास जो एमसील होती है, मैंने उसका यूज़ किया है, और थोड़ा सा पानी लगा के मैंने इसको इस तरीके से फैला लिया था।
जब ये ड्राई हो जाएगा तब हमें इसके ऊपर कलर करना है। मैंने आपको कलर दिखा दिया, यहाँ पे देखिए ये फेविक्रिल कलर है। काफ़ी बार मुझ पर पास मैसेज आते हैं कि यहाँ पर आप कौन से कलर यूज़ करते हो, तो मैं यहाँ पर फेविक्रिल या फिर इनेमल कलर ही यूज़ करती हूँ, उनके अलावा कोई कलर यूज़ नहीं करती। जो मेरे पास अवेलेबल होते हैं मैं वो कलर यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास जो व्हाइट कलर है वो इनेमल कलर नहीं था, वरना मैं प्लास्टिक पर इनेमल कलर ही करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारे कलर है वो काफ़ी फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कलर बताते बताते भूल गई थी कि यहाँ पे आपको क्या करना था। जब प्लास्टिक में अगर आपके पास इनेमल कलर ना हो तब आपको कलर लेना है, उसमें पाउडर मिलाना है और थोड़ा सा आपको फेविकोल मिलाना है, और उसके बाद ही आपको इस तरीके से कलर अप्लाई करना है। तो मैंने पहले वाइट कलर अप्लाई कर लिया था, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, लेकिन उसके बाद में मैंने पाउडर वगैरह मिलाया, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई थी। और पाउडर और फेविकोल मिलाने से क्या होता है कि आप इसके ऊपर हाथ वगैरह लगाओगे ना तो आपके जो कलर हैं बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, बिल्कुल आपके जो कलर है परमानेंट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा था इसके ऊपर कुछ और डिज़ाइन करूँगी, लेकिन यहाँ पर इस बॉक्स में पहले से ही ये देखिए कुछ इस तरीके के डिज़ाइन थे, तो बस इसी डिज़ाइन को मैंने कॉपी किया है और पूरा मैंने यहाँ पर इसको ब्लैक कलर से आउटलाइन करते हुए पूरा डेकोरेट कर लिया था। था जब इस डब्बे को हाथ में लिया था तब तक कुछ और ही था डिज़ाइन मन में, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बॉक्स को देखने के बाद फिर मैंने सोचा इसी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसकी आंखें वगैरह ऐसे लग रही थी जैसे कोई बनी हुई ही है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर से सिर्फ इसको शेड दिया है ताकि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा अलग आ जाए। मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ फेस बना दिए थे ताकि जब मैं बाहर की तरफ रखूंगी ना तो यहाँ पर सामने वाले को भी फेस दिखाई दे और मुझे भी सामने से फेस दिखाई दे। उसके बाद देखिए फिर एक ये और नेक्स्ट डे मैंने क्या किया था, एक और ये इस तरीके की मैंने बेल मंगाई थी, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, शायद ये वाइन टर्टल हो सकती है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिसने लाके दी थी उनको खुद को भी नाम नहीं पता था और मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कि मैं इसका नाम बता सकूं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना ताकि मुझे भी पता चले ये कौन सा प्लांट है। उसके बाद देखिए मैंने इस तरीके से इसमें लगा के इसका लगा दिया है, इस वाले प्लांटर में क्या है ऐसी बेल ही अच्छी लगेगी, क्योंकि इसका जो लुक है ना हमें बालों का देना है ताकि लंबे लंबे इसके बाल दिखाई दे। तो आप इंडोर में लगाना चाहते हो तो आप कहीं भी लगा लीजिए, या फिर आउटर में लगाना चाहते हो तो आउटर में भी लगा सकते हो। एक बार मैंने इस तरफ रखा था क्योंकि जब वीडियो शूट कर रही थी थोड़ी सी धूप थी तो इसलिए मैंने कॉर्नर में रख के इसको शूट किया था। उसके बाद क्या है कि हम किचन में एक टॉवल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सीधा इस तरीके का कोई भी हुक लगाते हुए इस तरीके से टॉवल को हैंग कर देते हैं। अब चाहे किचन हो या कोई और कोई एरिया, बस ऐसे ही हैंग कर देते हैं। तो छोटे टॉवल ऐसे यूज़ करते हैं तब या उनको जैसे ही हम हाथ पहुँचने लगते हैं तो वो टॉवल बार बार गिर भी जाता है और देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो आपको सिंपल सी बैंगल लेनी है और बैंगल के अंदर इस तरीके से आपको टॉवल को डाल देना है, और डालने के बाद आपको इस तरीके से हैंग कीजिए, जिससे आपका होगा आपकी टॉवल भी नहीं गिरेगी और साथ साथ में देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मेरा तो ये वाइट टॉवल है, बार बार आपको पता है किचन का टॉवल गंदा हो जाता है तो बार बार इसको वॉश करने के लिए हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप इसमें एक आइडिया लगा सकते हो कि पीछे का क्या है कि इस तरीके का पोर्शन आप लेके आए और इन दोनों को आप वेलक्रो या फिर बटन या सीधा सुई धागे से इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो। तो मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि वाइट टॉवल है तो मुझे पता है इसको बार बार हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं कर रही। जब मैं दूसरा टॉवल लाऊंगी तब उसमें ये वाला आइडिया जरूर करूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक एक कैरी बैग ली है, उस कैरी बैग को हमें मैंने ये मीडियम साइज की कैरी बैग ली है। उसके बाद आपको इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है ताकि ये यहाँ पर इसका जो प्रिंट है वो दिखाई ना दे, और वैसे जो हम बना रहे हैं उसमें प्रिंट दिखाई भी देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको उल्टा कर लिया है। उसके बाद देखिए मेरे पास इस तरीके की कतरंस पड़ी है, आपके पास भी होगी, अगर नहीं है तो आपके जो भी पुराने कपड़े हैं ना उन पुराने कपड़ों में से छोटी छोटी कतरन को यूज़ इस तरीके से काट लीजिए और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, और आपको इन कतरन को इसके अंदर आपको इसको फिल कर लेना है। अगर आपके पास कतरन भी नहीं है, छोटे टुकड़े भी आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपके पास अगर कॉटन वगैरह है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा फिल कर लिया है, और फिल करने के बाद जो भी यहाँ का एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आपको कट नहीं करना है, कट करेंगे तो हमारी जो कैरी बैग है फोल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पार्ट फिर छोटा हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से अंदर की तरफ सेट करना है, और सेट करने के बाद इन दोनों पोर्शन को इस तरीके से मिलाते हुए आपको हाथ से या फिर आप मशीन से किसी से भी आप इसको स्टिच कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमारा यहाँ पे कुशन बन के रेडी है। देखिए हमने कुशन बनाए हैं, ना ही हमारे ऊपर वाला फैब्रिक के पैसे लगे हैं और ना ही अंदर इसको फिल करने के पैसे लगे हैं। तो बिल्कुल फ्री कॉस्ट में आपके कुशन बन के रेडी हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर जो भी आपके डेली रूटीन के या जो भी आप इसके ऊपर कवर लगाना चाहते हो वो कवर लगा के आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर बेड पर देखिए आप इस तरीके से कुशन को आप इजिली इनको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, डेकोरेट कीजिए, बिल्कुल भी हमारे पैसे इसके अंदर खर्च नहीं होंगे। अब घर में जितने मर्जी आपको कुशन लगाने हैं उतने मर्जी के आप कुशन बना सकती हो, क्योंकि कैरी बैग तो हमारे पास होती है। और कतरन भी अगर आपके पास सिलाई वगैरह नहीं करते हैं लेकिन आप पुराने कपड़ों के कतरन को काट के या फिर आप फाइबर अगर है आपके पास कोई तो वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने एक चोकोपाई जो बच्चों की चॉकलेट वगैरह लेके आते हैं उनके बॉक्स हैं, आपके पास दूसरे बॉक्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास तो यही थे, वरना आप इससे और भी अच्छे मजबूत हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। इनको आपको अंदर फिल कर लेना है क्योंकि काफ़ी पतला बॉक्स है ये, तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये दब जाएगा और वापस से हमारी मेहनत ऐसे ही बेकार जाएगी। तो इसके अंदर मैंने इस तरीके से कुछ न्यूज़पेपर या जो भी आपके पास पॉलीथीन वगैरह जो आप डालना चाहो इसको इस तरीके से फिल कर लीजिए ताकि जो स्ट्रेंथ है इसकी थोड़ी अच्छी हो जाए। और इसको आपको टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेना है। उस ऐसे ही देखिए मैंने 3 पीस लिए हैं टोटल, इन पीस को हमें आपस में मास्किंग टेप की हेल्प से ही मैं इसको पूरा वापस से आपस में चिपका दूंगी। आप चाहो तो फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, और फेविकोल नहीं है आपके पास तो कोई भी टेप ले लीजिए आपके पास, जो भी टेप हो, सेलो टेप हो या वरना कोई भी टेप हो, आप बस उसका यूज़ करके आपस में इस तरीके से चिपका लीजिए। जो थर्ड वाला पीस था उसको आपको एक के दूसरे के ऊपर रखना है और उनको भी आपस में इस तरीके से चिपका देना है। अगर आपके पास और भी ऐसे बॉक्सेस है तो आप बड़ा भी बना सकते हो, जब आपको लास्ट में पता चलेगा मैं क्या बना रही हूँ तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको चाहिए। मुझे नेक्स्ट इसकी जो लेयर बनाने के लिए मुझे 3 बॉक्स और चाहिए थे लेकिन मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने टोटल 3 बॉक्स का ही बनाया है। ये भी ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो काफ़ी महंगा नहीं पड़ता, हमारा बिल्कुल ही सस्ते में हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस इसको कवर कर लिया, काफ़ी अच्छे टाइट हमारा ये हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वॉलपेपर लिया, इसके साइज़ की कटिंग कर ली थी। ये वॉलपेपर को हम लगाएंगे। अगर आपके पास वॉलपेपर नहीं है तो आप कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आप इस पेपर लेके आएंगे तो वहाँ पे आपको 10 रुपये की एक शीट मिल जाएगी और 10 रुपये से कम ही आपको यानी पूरी आपको शीट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आप बड़ा बनाते हो तो 10 रुपये की मान के चलिए आपके सिर्फ 10 रुपये खर्च होंगे। और साथ साथ में बस इतना है कि उसमें क्या है कि मैं यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेरा ये ग्लू वाला है तो डायरेक्ट इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको अगर वो शीट यूज करते हो तो आपको फेविकोल का यूज करना पड़ेगा। यानी आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ना ही ज्यादा इसके अंदर आपको खर्च करना पड़ेगा और आपके ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इसको पहले ऊपर की तरफ लगा लीजिए और साइड से इस तरीके से कट करते हुए इन सभी पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए ताकि हमारी साइड से भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो बिल्कुल हमें फिनिशिंग से ही काम करना है तो मैं यहाँ पर फिनिशिंग करूँगी। कहीं कहीं वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है साइड में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे पास एक्स्ट्रा चीज होती है तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कहीं कहीं जो सामान से बड़े हो काफ़ी हो जाते हैं तो उनमें मैं इस तरीके के वॉलपेपर साइड में यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि फ्रंट फ्रंट का लुक दिखाई दे और हमारे ज़्यादा पैसे भी ना लगे। तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र था और ये मेरे पास लास्ट पीस था वैसे भी, तो इसलिए छोटे से टुकड़े को रख के मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप पहले तो इसमें इस तरीके से किचन में आप अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ का देखिए गैप खाली है, तभी मेरा एक बॉक्स और मैं अरेंज करूँगी तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा। और अगर मैं 3 लेयर की और बनाती हूँ तो पीछे की साइड से एक पोर्शन और बन जाएगा। ऐसे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से क्या होता है कि मैं पीछे वाले डब्बे भी बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं कौन से डब्बे में क्या सामान है, वरना पीछे वाले डब्बे छुप जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कौन से डब्बे में क्या सामान है। आप चाहो तो नीचे की तरफ भी और भी छोटे छोटे डब्बे रख सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर यही रख रखे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर और बॉक्स जब लाऊंगी तब मैं ऐसे और बनाऊंगी। उसके अलावा पर देखिए आप इस तरीके से स्टडी टेबल पर भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए मेरे क्राफ्ट की जो बोटल्स वगैरह हैं इनको रख रखा है, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बच्चों के सामान रखने के लिए कलर पेंसिल्स वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो वो आप इसको रख के इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो आज के आइडियाज़ होते हैं यहीं पूरे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।